पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री तथा पीसीसी सदस्य पंडित देशराज शर्मा एडवोकेट के कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तय किया गया कि आगामी निकाय चुनाव में कांग्रेस का मेयर प्रत्याशी जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद को बनाया जाएगा। असलम खुर्शीद को निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशी बनाने के बाद शहर में सीट पर कांग्रेस का दबदबा होगा और सीट पर कांटे की टक्कर रहेगी। सीट निकलने के बाद शहर का तेजी से विकास कराया जा सकेगा। अपनी बात रखते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित देशराज शर्मा ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव प्रभारी से मांग कर रहे हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष असलम खुर्शीद को महानगर मुरादाबाद का मेयर प्रत्याशी बनाया जाए, जिससे कि चुनाव में जीत हासिल कर सकें। सामने आया है, क्या कहना है उनके लिए और किस तरह से आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष हूँ, पूर्व प्रदेश का संगठन मंत्री हूँ। अभी जो पीसीसी सदस्य निर्वाचित हुए हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्वाचित सदस्य हूँ। मुरादाबाद महानगर के जो मेयर के चुनाव के लिए मैं यहाँ के जिलाध्यक्ष भाई असलम खुर्शीद जी को सबसे योग्य व्यक्ति मानता हूँ कि वो अगर मेयर का चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ जीतेगी और कांग्रेस का परचम लहराएगा। उसका मुख्य कारण ये है कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष असलम खुर्शीद जी सभी सर्वधर्म संभाव की नीति को अपनाते हैं और मैं जहाँ तक समझता हूँ मुस्लिम पक्ष से ज़्यादा जो हिंदू पक्ष है वो उनके पक्ष में मतदान करेगा। यहाँ मुरादाबाद की हालत इस तरीके से है, कहने को तो ये स्मार्ट सिटी है लेकिन किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से मुझे मुरादाबाद स्मार्ट नहीं लगता। और अगर मैं समझता हूँ कि अगर असलम खुर्शीद जी यहाँ मेयर बनेंगे तो ये वास्तव में स्मार्ट सिटी होगा। मैं मुरादाबाद की आम जनता से अपील करना चाहता हूँ, ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लगातार 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के मेयर को देख रहे हैं जिसने तमाम या करोड़ों रुपया आता है, उस करोड़ों रुपए का शायद पता नहीं लगता कि वो कहाँ चला जाता है। एक बार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई असलम खुर्शीद जी को आप इस महानगर का मेयर बनाइए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आम जनता को, मैं ये दावा करता हूँ कि मुरादाबाद को आप वह स्मार्ट सिटी बनाइए और यहाँ की तरक्की होगी, यहाँ के राष्ट्रों का निर्माण होगा, यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो पेयजल की समस्या वो दूर होगी। यहाँ अगर जरा सा भी पानी पड़ता है तो पूरा महानगर एक तालाब में तब्दील हो जाता है। इस बात को मैंने कई बार मीटिंगों में भी उठाया है। मैं मुरादाबाद की जनता से ये अपील करता हूँ कि उन्हें जिताइए और इस शहर को डूबने से बचाइए, इस शहर को अतिक्रमण मुक्त करिए। अब अगर अतिक्रमण की बात होती है तो जो मुँह देख के अतिक्रमण हटाए जाते हैं, अरे भाई छोटे का आए बड़े का आए अगर आपने लाइन खींच दी तो उसका गरीब हो या अमीर हो उन्हें अतिक्रमण से हटाया जाए, लेकिन जो गरीब देखा उसका तो अतिक्रमण हटा दिया, किसी नेता का फोन आ गया उसका अतिक्रमण छोड़ दिया। तो मैं मांग करना चाहता हूँ अपने प्रदेश के नेतृत्व से, नवनियुक्त अध्यक्ष भाई ब्रजलाल खाबरी जी से, इस प्रदेश के हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी करवाल जी से, जो AICSC के सचिव हैं, कि वो मेयर के लिए असलम खुर्शीद के नाम को घोषित करें और जल्दी घोषित करें, जिससे हम पूरे वार्ड में, हमें कहीं ये बताने की जरूरत नहीं है किसी वार्ड में कि ये मेयर का प्रत्याशी कौन है। हमारे प्रत्याशी को हर गली मोहल्ले हर जगह लोग नाम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि अगर जहां कहीं भी जरा सी कोई बात हुई तो हमारे जो जिसे हम मेयर प्रत्याशी बनाना चाहते हैं वो तुरंत उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ने पहुँचा। उसने ये पक्ष नहीं देखा कि मुसलमान के लिए आंदोलन कर रहा हूँ या हिंदू के लिए आंदोलन कर रहा हूँ, उस शहर के आवाम के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए हर वक्त सड़क पर संघर्ष करने के लिए तैयार है। और अगर आपने मेयर बनाया तो निश्चित रूप से इस मुरादाबाद महानगर की काया पलट होगी।